फरवरी के महीने का आपको और खासतौर से युवाओं को बेसब्री से इंतजार रहता है क्योंकि इसी महीने में वैलेंटाइन वीक आता है। लेकिन क्या आपको पता है कि वैलेंटाइन डे क्यों मनाया जाता है? वैलेंटाइन डे मनाने के पीछे की आखिर वजह क्या है? नहीं पता तो हम बताते हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और दूसरों को शेयर भी कीजिएगा। 7 फरवरी से वैलेंटाइन वीक की शुरुआत होती है। 7 फरवरी को रोज डे के तौर पर मनाया जाता है। इसके बाद 14 फरवरी तक हर दिन को एक नए दिन के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। इस वीक का इंतजार युवाओं को खास तौर पर रहता है। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि इस वैलेंटाइन वीक या वैलेंटाइन डे को मनाने की शुरुआत कैसे हुई? इसके पीछे संत वैलेंटाइन की कुर्बानी की कहानी है जिनके नाम पर इस वीक को सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए आपको बताते हैं। वैलेंटाइन डे की शुरुआत रोम से मानी जाती है। कहा जाता है 270 ईस्वी में पादरी हुआ करते थे जिनका नाम था संत वैलेंटाइन। संत वैलेंटाइन प्रेम को बहुत बढ़ावा देते थे लेकिन रोम का राजा क्लाउडियस प्रेम के खिलाफ था। उसका मानना था कि प्रेम लोगों के ध्यान को भटकाता है, प्रेम में पड़े लोग सेना में भर्ती नहीं होना चाहते। क्लाउडियस के रोम में सैनिकों की शादी और सगाई पर पाबंदी लगा दी थी। ये बात जब संत वैलेंटाइन को पता चली तो उन्होंने इसका विरोध कर दिया और राजा के विरुद्ध जाकर तमाम लोगों की शादियां करवाई। इस बात से राजा ने संत वैलेंटाइन को जेल में डलवा दिया और उन्हें फांसी की सजा सुना दी। कहा जाता है कि जब संत वैलेंटाइन जेल में बंद थे तब उन्होंने वहां के जेलर की बेटी को एक लेटर लिखा जो देख नहीं सकती थी और उन्हें बहुत मानती थी। संत वैलेंटाइन की प्रार्थना से एक चमत्कार हुआ कि उसकी आंखों की रोशनी आ गई। उस लेटर पर संत ने सबसे आखिर में लिखा था, फ्रॉम योर वैलेंटाइन। इसके बाद संत वैलेंटाइन को लोग और भी मानने लगे। 14 फरवरी को संत वैलेंटाइन को फांसी दी गई। चूंकि संत वैलेंटाइन को यह सजा प्रेम के समर्थन करने के कारण मिली थी इसलिए उनकी मौत के बाद से 14 फरवरी को प्रेम को समर्पित दिन माना जाने लगा और इस दिन को वैलेंटाइन के तौर पर मनाया जाने लगा। क्या इससे पहले यह जानकारी आपको पता थी? अगर नहीं तो हमें कमेंट करके बताएं और अगर यह जानकारी आपको आज पता चली है तो इसे दूसरों के साथ शेयर करके इस जानकारी को दूसरे लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। धन्यवाद।